हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं एस वर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं ओम साई स्टडी पॉइंट के चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि इस चैनल के थ्रू मैं यश वर्मा आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मैं जो है एक एजुकेटर भी हूं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशन, जैसे कि जो छोटे एग्जामिनेशन जैसे UPTET है, CTET है, जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी संबंधित, बाकी इसके अलावा UPSC, UGC नेट, LD ग्रेड, TGT, PhD इन सभी की तैयारी मैं वहाँ करवाता हूँ। ओके, और जो कि मैं यहाँ पे YouTube के थ्रू भी जो है मैं आपको सारे लेसन्स प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो मैं आपसे एक बार बोला चाहूँगा कि यदि आप UPTET और CTET 2019 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके एग्जामिनेशन आपके 2019 में जुलाई के महीने में होने वाले हैं, ओके, जहाँ पर आपको यदि पेपर फर्स्ट आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट यानी कि जो प्राइमरी लेवल की जो होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है अन अकेडमी के थ्रू मैं वहाँ पर फ्री में कोर्स अवेलेबल कराया है मैंने गणित का, यहाँ की मैथ के। यदि आपका मैथ वीक है और आप UPTET और CTET की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जहाँ पर मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, आगे वाली स्लाइड में जो मैं आपको अच्छे से पूरा डिटेल में बता दूंगा कि हम लोग कितने सालों के पेपर वहाँ कवर करने वाले हैं, कब कब उसको कवर कर लेंगे, कितने टाइम उसमें लगेंगे कवर करने में। और ये तो चूंकि प्रीवियस ईयर के यहाँ पर हम कवर करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उन सभी को वहाँ कवर किया जाएगा। UPTET के अलावा CTET की तैयारी आप कर रहे हैं तो CTET के भी सारे पेपर मैं अवेलेबल कराऊंगा वहाँ पे, उसके अलावा जो अदर स्टेट के वो भी अवेलेबल करा दूंगा। ओके, और इसके अलावा यदि आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप DLED के स्टूडेंट हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एक कोर्स मेरा और भी है जहां पर मैं ऐसे मैथ के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा जहां पर जो कि एकदम जीरो लेवल से उनको थोड़ी दिक्कत होती है UPTET और CTET के एग्जामिनेशन में, क्योंकि अधिकतर आउटसाइड के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मैथ सेक्शन जो होते हैं वीक होते हैं थोड़े से, तो उनको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वो सारा प्रैक्टिस मैं अन अकेडमिक प्लेटफॉर्म पर वहाँ करा दूंगा, और उसकी जो वीडियो की जितनी लिंक होगी, सारी वीडियोस की लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा उसको, ताकि आप वहाँ लिंक पर क्लिक करते ही जो है डायरेक्टली आप अन अकेडमी तक पहुँच जाएँ, और वहाँ जितने भी मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं वहाँ से आप उसको देख सकें। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको ये दे देते हैं कि यहाँ पर जो कि मैथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैथ के जितने सारे पेपर मैं अपलोड करूँगा उसके, चूँकि क्वेश्चन तो होंगे साथ में उसका सोल्यूशन भी होगा, यहाँ पर व्याख्या के साथ इन सारे पेपरों को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप मत करिएगा, लास्ट तक इसको देख लीजिए अच्छे से। आगे मैं क्या क्या बात करने वाला हूँ, कैसे कैसे आपका कवर होगा, कौन कौन स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, उन सब चीज़ों की यहाँ बात हम करेंगे। तो इस वीडियो को जो कि आप लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ओके, और मुझे जो कि अन अकेडमी पर फॉलो करना और यूट्यूब के थ्रू जो है आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ जो है आप इसका जो है बेल आइकन हो उसको जरूर प्रेस करें, क्योंकि उसके प्रेस करने से ही आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा यदि मैं कोई नया लेसन अपलोड करता हूं तो, नया वीडियो डालता हूं तो। सो जल्दी से मैं कवर कर लेता हूं आगे चल के। जैसे कि देखिए, ये आगे जो है आपका यहां मेरे और भी कोर्सेज हैं, ओके, ये कोर्सेज जो है आप UPTET, CTET, LD ग्रेड, TGT, UGC नेट, जितने भी एग्जाम से आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का, आप जो भी BDO का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से संबंधित जो है मैं आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल करा रखा है। लगभग 17 कोर्सेज मेरे यहाँ पे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली आप यदि ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इन सभी की मैंने अपलोड कर रखी है, तो यहाँ से आपको सब कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं, यदि आप किसी मतलब ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं, यानी कि गांव वाले क्षेत्रों में रहते हैं, तो आपके लिए ही बस ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आपको फ्री में घर बैठे आसानी से आप पढ़ाई कर सकें सब कुछ। और जो कि ये वाला जो मैं कोर्स जिसमें मैं बात कर रहा था वो स्पेशली मैथ के बारे में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर चूँकि मैंने बताया था आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब जो पेपर हैं पर्यावरण अध्ययन के हैं, बाल विकास के हैं, नोट्स हैं उसके, सब कुछ मैंने अवेलेबल करा रखा है, प्रैक्टिस सेट भी है यहाँ पे, आप इसको देखिए, पर्यावरण अध्ययन के सारे नोट्स मैंने इस पे डाल दिए हैं। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं 2019 की, ताकि आने वाली जो वैकेंसी है वो आपके नाम हो, आपको मिले, इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, अभी से देर मत करिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। ओके, ऐसा नहीं मतलब एग्जाम आने वाला रहेगा तब आप तैयारी करेंगे। तो हम देख लेते हैं ये जो कोर्स हम पढ़ने वाले हैं वो प्लेट अन अकेडमी के थ्रू, तो हम यही देख लेते हैं कि वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिसको ये वीडियो देखना चाहिए। जैसे यदि आप जो है UPTET 2018-19 की जो तैयारी कर रहे हैं आप, ओके, तो 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और CTET 2019 की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना चाहिए। इसके अंतर्गत सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा विद सोल्यूशन। ओके, यदि राजस्थान का तैयारी कर रहे हैं, बिहार की तैयारी कर रहे हैं, MP की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट की इतनी भी आप तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप BTC के स्टूडेंट्स हैं और DLED के स्टूडेंट्स हैं तो आपके वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस बेस्ड होता है, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा मैथ, और मैथ कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है कि जिसको आप लेके डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप एक ही चीज़ को दो बार, तीन बार, चार बार लगाएंगे तो वो एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, आप
लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली सामने आपके क्वेश्चन होगा और इनडायरेक्टली रूप में जो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये तो रहा, ये इतने टारगेट ऑडियंस है, ये लोग जो हैं इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा। अब देखिए हम कोर्स में क्या क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं कोर्स में हम क्या क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो आपका कोर्स होगा यहाँ पर, जो सबसे पहले हम UPTET का पेपर फर्स्ट उसको कवर करेंगे, यहाँ पर मैंने 2018 मेंशन नहीं किया है, 2018 का भी पेपर आपको यहाँ मिलेगा। तो 2018 से लेकर के 2011 तक के जितने पेपर आज तक हुए हैं उन सभी को यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा विद सोल्यूशन, पूरी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ओके। और इसके अलावा जो CTET का जो है मैथ वाला जितना पोर्शन है उन सभी को भी यहाँ सॉल्व करके यहाँ से आपको दे दिया जाएगा, ये भी आपको मिलेगा। और जब इसे ये कंप्लीट होगा, यहाँ से कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जितने भी टेट हैं उनके पेपर्स को भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैथ का पोर्शन यहाँ इस कोर्स के अंतर्गत जो होगा, सारा जो मैं डिस्क्रिप्शन मार्क जो आपको लिंक दूंगा वो पूरा मैथ के बारे में ही रहेगा। इसके अलावा जो एक दूसरा कोर्स मेरा पर्यावरण अध्ययन का जो मैंने बता रहा था आपको कि पर्यावरण अध्ययन वाला जो है, जैसे ए यहाँ पर सिर्फ पर्यावरण अध्ययन के जितने क्वेश्चन पेपर अभी तक आए हुए हैं उन सभी को यहाँ प्रोवाइड कराया गया है। ये इसमें जो है केवल बाल विकास वाला कोर्सन जो है प्रोवाइड कराया गया है, इन सभी को आप जरूर देख लीजिएगा। अब यदि आप मेरे बारे में जानना चाहें तो मैं जो है यहाँ मैं अपने आप को बता देता हूँ, मैं यश वर्मा, यहाँ से आप मुझे देख सकते हैं, ओके, ये मेरा नाम। और चूँकि मैंने जो भी एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं उन सभी को मैंने यहाँ लिस्टेड कर रखा है। मैंने JRF दो बार क्वालिफाई किया है ज्योग्राफी में, और मेरा जो MA यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स जो मैंने ज्योग्राफी में किया है DDO से किया है, ओके। और BEd भी मैंने फैजाबाद यूनिवर्सिटी से किया। उसके अलावा जो है CTET का जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होते हैं सबको, UPTET का, CTET का सबको क्वालिफाई किया हुआ है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है। और साथ ही जो है UKPSC यानी कि उत्तराखंड PSC का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम इसको क्रैक, प्लस CCNA का यानी कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट्स यानी कि मैं नेटवर्क इंजीनियर भी हूँ। और इसके अलावा जो है UPPSC का जो RO का जो एग्जाम होता है उसको भी मैंने क्रैक किया है। और साथ ही साथ जो UPSC PSC का एस्पिरेंट्स हूँ ये तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। और इंटरेस्ट एरिया मेरी है कि टीचिंग स्किल्स, प्लेइंग क्रिकेट, टीचिंग बाय पैशन, इन सभी को। और मुझे आप जो अनअकैडमी पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट वीडियो है इनके ज़्यादा कोर्सेज हैं उनको मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, इसलिए आप मुझे अनअकैडमी का जो है वहाँ वो कर लीजिएगा। आप यश वर्मा के 91 के नाम से ज़रूर फॉलो करिएगा, ओके। और फॉलो करने के बाद जो अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप होता है उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने ध्यान दे दी। अब चूँकि जो भी वीडियो इसकी हैं, ये सारी वीडियोज़ जो हैं आपको कहाँ मिलेंगी, ये सारी की सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी कहाँ पे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे क्लिक करिए, वहाँ पर आपको सारी की सारी लिंक आपको मिल जाएगी, ओके।